जिले के एकमात्र कन्या महाविद्यालय कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज में पीजी कोर्स शुरू किए जाने को मिली हरी झंडी। महाविद्यालय में बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट की होगी पढ़ाई, 80 सीटों पर होगा एडमिशन। बारह अक्टूबर को जिले के सभी शासकीय महाविद्यालय में तालाबंदी को लेकर एनयूसीआई ने कॉलेज प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन, दी जानकारी। ओबीसी छात्रवृत्ति सहित अन्य मांगों को लेकर एनयूसीआई के द्वारा 12 अक्टूबर को महाविद्यालय में तालाबंदी का किया गया ऐलान। एनयूसीआई को मिला छात्रों का पूरी तरह समर्थन। सितंबर 2021 को बनगंगा नदी के छोटे पुल के नीचे डूबे 11 वर्षीय बालक विनय सिलेकर का नहीं चला अभी तक पता। समय के साथ परिजनों की टूट गई पूरी तरह से उम्मीदें। विनय सिलेकर के बनगंगा नदी में डूबने के बाद 4 दिन तक एसडीआरएफ में चलाया गया था नदी में सर्च ऑपरेशन। पानी अधिक होने पर विनय के नदी में काफी दूर तक बह जाने की लगाई गई थी उम्मीदें। बीते एक सप्ताह पहले बनगंगा नदी में जलस्तर कम होने पर जताई गई थी विनय के मिलने की उम्मीदें। काफी दूर तक नहीं चला विनय का कुछ भी पता। कोटवार संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर निकाली रैली, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से की मुलाकात, रखी मांग, बताई परेशानी। सोमवार को अचानक शहर में प्रशासनिक अमले ने शुरू की मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई, कार्रवाई से नाराज दिखे लोग, प्रशासनिक कार्रवाई पर उठाए सवाल। शहर के भीतर चोर गिरोह सक्रिय, नगरी क्षेत्र बूढ़ी वार्ड नंबर 11 में सेवानिवृत्त महिला स्वास्थ्य कर्मचारी द्रौपदी हुमनेकर के घर में से 4 लाख रुपए से अधिक की चोरी। जिला मुख्यालय के साथ ही उकमा में भी चोर हुए सक्रिय, एक ही रात में टूटे 4 स्थानों पर ताले, अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। रोजगार गारंटी योजना को दिशा प्रदान करने वाले मेटों ने कलेक्टर दर पर मानदेय दिए जाने की रखी मांग, आंदोलन की बनाई रूपरेखा। वारासिवनी स्थित काली मंदिर में प्रज्वलित किए गए 349 ज्योति कलश से बोए गए जवारे, नवरात्र पर्व पर भक्ति भाव के साथ भक्तों के द्वारा रोजाना की जा रही है पूजा अर्चना। छात्रवृत्ति सहित अन्य मांगों को लेकर वारासिवनी महाविद्यालय के छात्रों ने निकाली रैली, प्रशासन के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड मोतीनगर चौराहा में ट्रैक्टर की ठोकर से एक व्यक्ति हुआ घायल, संजय चौहान उम्र 40 वर्ष निवासी बूढ़ी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बालाघाट लालबरा रोड पर मानपुर पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल को डंपर ने मारी पीछे से ठोकर, घटना में मोटरसाइकिल चालक जितेंद्र बिसेन उम्र 32 वर्ष निवासी लालबरा मिरेगा हुए घायल, जिला प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज नागपुर किया गया रेफर। काना टाइगर रिजर्व के बफर वन मंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र सिजोरा में प्लास्टिक के बोरे में मिले बाघ के शरीर के कुछ हिस्से, वन विभाग के द्वारा प्रोटोकॉल के तहत बाघ का करवाया गया अंतिम संस्कार, पूरे मामले की शुरू की गई जांच, शिकार की जताई जा रही है संभावना। ईद मिलादुन्नबी पर्व पर जुलूस निकालने की परमिशन के लिए IMI पार्टी के द्वारा सौंपा गया प्रशासन को ज्ञापन। दीपावली के बाद जलकर नहीं भरने वालों पर शुरू होगी कार्रवाई, नगाड़ा बजाकर दी जाएगी जानकारी, कनेक्शन काटकर की जाएगी कार्रवाई।